हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज वाव फैक्ट्स पर एक और शानदार वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, ये दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है। यहाँ न जाने कितने अजीबोगरीब जानवर हैं, ऐसी कितनी जगह हैं जिनके रहस्य सदियों बीत जाने के बाद भी जस के तस बने हुए हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी जगहों में से एक है, और वो है बरमूडा ट्रायंगल। इसके रहस्यों से जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी, जिनको लेकर विज्ञान भी आज तक अचंभित है और हैरान दिखाई देती है। ये धरती का वो क्षेत्र है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो बिना देरी किए जान लेते हैं आखिर क्या बवाल है ये बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका में स्थित फ्लोरिडा के मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है जो कि 4,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में आने वाली चीजें कहां गायब हो जाती हैं, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है, इसलिए इसे शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में आज तक जाने वाला कोई भी जहाज वहां से वापस लौटकर नहीं आया। वैज्ञानिक इसका कारण उसके एकदम पास मौजूद उन महासागरीय धाराओं को मानते हैं जो अपने साथ सभी चीजों को पानी के अंदर ले जाती हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में आज तक करीब 1,000 लोग गायब हो चुके हैं। एक रिपोर्ट की माने तो हर साल औसतन यहां पर 4 एयरक्राफ्ट और 20 जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में इतनी सारी रहस्यमय घटनाएं होने के बाद भी मियामी और आसपास के क्षेत्रों में ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है, और बड़ी संख्या में लोग इसके आसपास के इलाकों में मौज मस्ती करने आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर 5 दिसंबर 1945 को खींचा, जब अमेरिकन नेवी के 5 पायलट हवाई जहाजों समेत अपने प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान इस इलाके से गुजरे और बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बहुत दिन तक खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। यही नहीं, उनको खोजने के लिए जो खोजी दल उस क्षेत्र में भेजा गया, उस दल के भी सदस्य गायब हो गए। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस का रिसर्च सेंटर है जो बाहरी दुनिया के लोगों का क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं करते और इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और सारी चीजों को गायब कर देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से जुड़े शोध के दौरान ये पाया गया कि इस क्षेत्र के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिससे वहां जाने वाले यात्री को दिशा की पहचान नहीं होती और जहाज भटक जाते हैं और फिर डूब जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को लेकर ऐसा दावा भी किया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है, इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को लेकर जानकारों का ये भी मानना है कि ये इलाका अत्यधिक चुंबकीय है, जो लोहे से बनी वस्तुओं को पानी की ओर खींचता है, जिसके कारण सभी जहाज डूब जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली इन अजीबोगरीब घटनाओं के कारण ही विश्व की सरकारों ने इस क्षेत्र से कोई भी जहाज या पानी का जहाज यहां से निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि कोलंबस का जहाज इस क्षेत्र में गायब नहीं हुआ था और यहां से बचकर निकल गया था। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर ऐसा दावा भी किया जाता है कि ये वास्तव में पौराणिक कथाओं में वर्णित एक खोया हुआ शहर अटलांटिस का स्थान भी हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर एक लोकप्रिय सिद्धांत ये भी है कि गायब जहाज रोग वेव्स की चपेट में आ गए, जिसमें भारी समुद्री लहरें 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं, जो सैद्धांतिक रूप से किसी भी जहाज या विमान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को लेकर अमेरिकी सरकार एजेंसी सीधे खराब मौसम और औसत नेविगेशन को जहाजों के डूबने का दोषी ठहराती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे वाव फैक्ट से, और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।